हेलो ऑसम पीपल, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं मैं आपको आपके ही चैनल ऑसम टीजे में। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए टॉप 8 अमेजिंग पबजी गैजेट्स। ये गैजेट कुछ ऐसे पबजी लवर्स के लिए हैं जो मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के पबजी खेलते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप की चार्जिंग केबल, और जिनके पास MI का फ़ोन है जो बहुत हीट करता है पबजी खेलते समय, उनके लिए लाया हूं मैं वाटर कूलिंग सिस्टम। और जो मेरे पबजी के प्रो प्लेयर जो चार चार या छह छह उंगली से पबजी खेलते हैं, अरे भाई छह तो उंगली ही नहीं होती है एक हाथ में, ओ सॉरी चार चार उंगली से खेलते हैं, उनके लिए लाया हूं मैं कुछ ऐसे गेमिंग इक्विपमेंट्स जिससे यूज करके आप प्रो से भी प्रो हो जाओगे, मतलब बिल्कुल मॉडल टाइप। और इन सभी गैजेट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, पर वीडियो को लास्ट तक देखते रहना क्योंकि हमेशा की तरह बेस्ट गैजेट ऑफ द वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। पर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे मार दो। नंबर 8, गेमसर G6S। तो जो मेरे पबजी प्रो प्लेयर हैं, जो अपने 2 फिंगर से लेकर 6 फिंगर से खेलते हैं, वेट कौन कह रहा था कि 4 फिंगर से खेल सकते हैं यार, मोबाइल की 5 इंच की तो स्क्रीन रहती है और ऊपर से बंदे उसके अंदर 4 4 उंगलियों से खेलते हैं, और कुछ अल्ट्रा लेजेंड तो पैरों की उंगली को भी नहीं छोड़ते भाई, वो स्क्रीन भी कहते हुए कि यार मुझे बख्श दो। तो इसीलिए मैं लाया हूं आपके लिए गेमिंग सर G6 5। इसको आप अपने फ़ोन में फिक्स करके अपनी गेमिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं और आपकी फ़ोन की स्क्रीन को भी बख्श मिल जाएगा। इस गैजेट से आपकी स्क्रीन पे प्रेशर नहीं आता, और इस गैजेट में आपको अलग से जॉयस्टिक भी मिलती है जिससे आपकी गेम की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नंबर 7, स्टिगन फोर्स गेमिंग किट। तो जो मेरे दोस्त PSP से डायरेक्टली स्विच हुए हैं पबजी मोबाइल पर, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। जो पहले PSP पे कंफर्टेबल रिमोट से खेलते थे, पर उनको 4 4 फिंगर से खेलना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए मैं लाया हूँ गेमिंग किट। इसको बस अपने मोबाइल में लगाओ और कनेक्ट करके बस इसे बना दो एक PSP रिमोट। और ये दिखने में और भी स्टाइलिश लगता है, और स्टाइलिश के साथ साथ ये बहुत कंफर्टेबल भी है। और हाँ, गेम प्ले की बात हो ही रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितने फिंगर से खेलते हैं, 4 4 फिंगर से या 6 6 फिंगर से। नंबर 6, गेमिंग चार्जिंग केबल। ये गैजेट उन पबजी लवर्स के लिए हैं जिनको गेम खेलने की इतनी तलब होती है कि उनको बैटरी चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिलता, और चार्जिंग पे ही लगाकर 10 से 12 किल ले लेते हैं। और मेरे कुछ भाइयों को तो असली में हेलमेट पहनकर पबजी खेलना पड़ता है, क्यों MI फोन का नाम सुना, पर भाई चिंता मत करो, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास अगले गैजेट में। पर ये गैजेट है एक अमेजिंग चार्जिंग केबल जिसको यूज करके आप कंफर्टेबली गेम खेल सकते हैं चार्जिंग पे लगा के। दूसरी तरफ जो ऑर्डिनरी चार्जिंग केबल्स होते हैं उसके अंदर हम कंफर्टेबली गेम नहीं खेल पाते, उनकी केबल हमारे हाथों में लगती रहती है। पर ये चार्जिंग केबल मेनली बनी ही है गेमिंग के लिए, तो इसको यूज करके आप पट से हेडशॉट भी मार सकते हैं। नंबर 5, आर्टिक्स 9X। चलो यार, मोबाइल गेमिंग इक्विपमेंट्स की तो बहुत बात हो गई, अब आते हैं PC गेमिंग पर। जैसे आपको पता ही है कि PC गेमिंग मोबाइल गेमिंग से कितनी अलग है, वो बहुत सेंसिटिव होती है और प्रोफेशनल होती है मोबाइल गेमिंग से, तो इसीलिए मैं लाया हूँ आपके लिए आर्टिसिस 9X। बेसिकली ये एक हेडसेट है विद माइक जो वायरलेस है, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, और वायरलेस होने के बावजूद इसमें साउंड लैग का कोई चांस ही नहीं है। और हाँ, आप इसको अपने Xbox से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है। नंबर 4, पीक सेंसर डिवाइस। PC गेमिंग में कितना जरूरी है पीक एंड फायर का रोल, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। पबजी PC में तो और जरूरी होता है, पर उनकी कीज को मैनेज करना उतना ही हार्ड, तो इसीलिए मैं लाया हूँ आपके लिए पीक सेंसर डिवाइस, जिसको बस आपको अपने हेडफोन में लगाना होता है और फिजिकली आपको पीक करना होता है, और ये ऑटोमेटिक गेम प्ले में भी पीक हो जाता है, और फिर क्या एनिमी के कान के नीचे चट से लग जाता है।
और इससे आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये गैजेट पसंद आया तो यार लाइक करो वीडियो को, और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लो वहां से। नंबर 3, मोबाइल फैन कूलर। तो आ जाते हैं अपने मोबाइल गैजेट पर वापस। गेम खेलते समय हमारा फ़ोन हीट बहुत होता है, और हीट मोबाइल की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और इससे मोबाइल की परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होती है। तो इसीलिए मैं लाया हूँ आपके लिए मोबाइल फ़ैन कूलर, जिसको आप अपने फ़ोन में अटैच करके आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, और ये आपकी फ़ोन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आपके फ़ोन का टेम्परेचर 39 डिग्री से 25 डिग्री तक कर देता है, और कूलिंग के कारण आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। नंबर 2, मोबाइल वाटर कूलिंग। तो आते हैं मेरे उन दोस्तों पर जिसके पास इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम केस है, जिनको हेलमेट पहनकर पबजी खेलना पड़ता है, मतलब MI यूजर्स, जिनका फोन हद से ज्यादा हीट करता है। तो मेरे पास उनका भी जुगाड़ है, मोबाइल वाटर कूलिंग। इस गैजेट का यूज करके आप अपने मोबाइल को वाटर से कूलिंग कर सकते हैं। बस आपको ये गैजेट अपने फोन से अटैच करना है, और इसका वाटर सिस्टम वाटर को ट्रांसफर करता रहता है, जिससे ये आपके फोन को हीट होने नहीं देता और आपका फोन कूल रहता है। और ये एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट है, और जिसका आप सभी को इंतजार था। बेस्ट गैजेट ऑफ द वीडियो है, नंबर 1 पे है गेमसर VX2। पबजी खेलते समय आपको ये मैसेज तो आया ही होगा, एमुलेटर डिटेक्ट। मतलब यार कुछ लोग मोबाइल गेम को कंप्यूटर पे खेल के और मोबाइल यूजर को किल कर अपने आप को प्रो समझते हैं। तो इसीलिए मैं लाया हूँ आपके लिए गेमसर VX2। इस गैजेट को यूज करके आप भी एमुलेटर प्लेयर को टक्कर दे सकते हैं। बेसिकली इस गैजेट में कीबोर्ड और माउस आते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं आपके फोन से, जिससे आप भी खेल सकते हैं और प्रोफेशनली पबजी। और ये दिखने में बहुत स्टाइलिश है। इसके अंदर RGB लाइट्स भी लगी हुई हैं, जिसको ये एक अमेजिंग लुक देता है। और इनमें से कौन सा गैजेट आपको पसंद आया कमेंट करके मुझे बताओ, और ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स के लिए सब्सक्राइब करो Awesome TJ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।